छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, तीन बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूंक डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय मैं आपको सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष सर, देखिए स्पीकर सर, देखिए राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। और अगर एक नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए मान्यवर। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर रखी है, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है।
सर, अभी धर्मनाथ सर, धर्मनाथ छोटा छोटा सा निवेदन, क्योंकि सर ये विषय गंभीर है। और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि दो स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को, और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो जो बात रखा है उसको करना चाहिए, और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बल रखेंगे सर। और स्पीकर सर, और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है, और बहुत सोच समझ कर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए आप इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी अग्निवीर को हटा दें, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है, हम स्कीम को नहीं चाहते। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है, मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है, मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं, प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है, मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मैते इससे दोनों से मिला, इसको अभी आंसर नहीं देंगे, आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है, मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं, ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे।
मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूँ, एक भाई मैं कर सकता हूँ, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है, आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूँ। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया से बोल रहे भगवान जगन्नाथ, एक मिनट। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।